जिस वक्त ज़ेलेंस्की जापान के हिरोशिमा में G7 के नेताओं के साथ हाथ मिला रहे थे, उस वक्त बखमूत में रूसी लड़ाके जीत का जश्न मना रहे थे। आखिर ज़ेलेंस्की को G7 की मीटिंग के दौरान ये क्यों कहना पड़ा है कि बखमूत अब हमारे दिल में रह गया है, जमीन पर कब्जा अब यूक्रेन का नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स यहां तक दावा करने लगे हैं कि बखमूत जीतने के साथ अब पुतिन कीव पर अगले 90 दिन में कब्जा जरूर कर लेंगे। कुछ वॉर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बखमूत को पूर्वी यूक्रेन का किला कहने वाले ज़ेलेंस्की के लिए बखमूत की हार यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि यूक्रेन को मिले 12 लाख करोड़ के हथियार, 31 देशों से बने नाटो की सैन्य सहायता भी बखमूत को रूस से नहीं बचा पाई है? क्या वाकई में कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस जीत रहा है? निकल गई गर्मी, हार गए बखमूत। पिछले 15 महीने से चल रही भीषण जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को रौंद कर रख दिया है। अब तक रूस यूक्रेन पर 7,000 से ज्यादा मिसाइल हमले कर चुका है, जबकि रूस के 5,000 टैंकों ने पूर्वी यूक्रेन के 30% इलाके को खंडहर बना दिया है। यहां तक कि पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन पर रूस के 700 लड़ाकू जहाजों ने 25,000 से ज्यादा बम और मिसाइलों से हमला किया है। अगर ड्रोन हमलों की बात की जाए तो ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136, शाहिद 131, आराश 2 जैसे ड्रोनों से रूस ने 1500 से ज्यादा हमले किए हैं। शुरू में भले ही रूस को यूक्रेन से कड़ी टक्कर मिली हो, लेकिन 5 महीने बाद से यूक्रेन हमला करने के बजाय सिर्फ खुद को बचाने में जुटा है। बखमूत पर रूस ने इसलिए भी पूरी ताकत से हमला किया है क्योंकि बखमूत को ज़ेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन का किला कह रहे थे और दावा कर रहे थे कि रूस किसी भी कीमत पर बखमूत की सीमा को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए, बखमूत की सीमा तो दूर, रूस ने बखमूत शहर के मध्य में कब्जा करने के बाद बखमूत की आखिरी सड़क तक कब्जा कर लिया। इस कब्जे में पुतिन का खाना बनाने वाले वैगनर चीफ येवगेनी बेरोगिन के लड़ाके और रूसी फौजों ने बखमूत की ईंट से ईंट बजा दी। देखिए कैसे पुतिन के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की और नाटो की नाक माने जाने वाले बखमूत पर कब्जा किया है। निकल गई गर्मी, हार गए बखमूत। पिछले 224 दिन से यूक्रेन और नाटो बखमूत को मीट ग्राइंडर बनाने पर तुले थे और दावा कर रहे थे कि रूस के 35,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और वो कभी भी बखमूत जीत नहीं पाएंगे। रूस के सैनिक और वैगनर लड़ाकों ने बखमूत में पहला बड़ा हमला 8 अक्टूबर 2022 को शुरू किया था। उसके बाद से हर 30 फीट इलाके पर कब्जा करने के लिए रूस को 1,000 सैनिकों को खोना पड़ा था। लेकिन लगभग 8 महीने तक बखमूत में भीषण हमले करने के बाद वैगनर चीफ ने बखमूत जीतने का ऐलान कर दिया। वैगनर चीफ ने साफ कहा है कि 25 मई 2023 को रूसी सैनिक पूरे बखमूत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। खबरों के मुताबिक पुतिन ने रूसी सेना और वैगनर लड़ाकों को बखमूत की जीत पर बधाई दी है। हालांकि यूक्रेन के कमांडरों का दावा है कि बखमूत में अभी भी भीषण जंग चल रही है। दारों ने ज़ेलेंस्की को हरवाया। लेकिन जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग में ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ती नजर आ रही हैं। ज़ेलेंस्की ने इशारों ही इशारों में माना है कि अब कीव का बखमूत पर कंट्रोल नहीं है, बखमूत हमारे दिलों में रह गया है। But you have to understand that there is nothing. They destroyed everything. There are no buildings. It's a pity. It's tragedy. But for today, Bakhmut is only in our hearts. There is nothing. गद्दारों ने ज़ेलेंस्की को हरवाया। बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब रूस के लिए पूरे डोनस के इलाके पर कब्जा करना आसान हो गया है। मिकोलाय, शेरदीव, ज़ापोरोजिया और सबसे महत्वपूर्ण कीव पर रूस के हमले पिछले 24 घंटे में बेहद तेज हो गए हैं। अगर हम बात करें कि रूस आखिर कीव से लेकर पूर्वी यूक्रेन पर इतने प्रचंड हवाई हमले कैसे कर रहा है तो जरा आप इसे भी जान लीजिए।
12 घंटे पहले रूस की मिसाइल ताकत से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके दम पर रूस ने अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और ब्रिटेन की 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को सीधे हमले में तबाह कर डाला है। यूक्रेन पैट्रियट मिसाइल और 7 स्टॉर्म शैडो को यूक्रेनी सेना का ब्रह्मास्त्र बता रहा था, लेकिन रूस ने भी भस्म कर डाला। जरा देखिए रूस इस वक्त किस तरह की जंगी तैयारी कर रहा है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन और कीव पर 3 गुना से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। अकेले कीव पर ही पिछले 12 दिनों में 500 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं। रूस के 300 ड्रोन हमलों ने कीव को तबाह करके रख दिया है। कुछ दावों के मुताबिक रूस ने मई महीने में ही 3 गुना लंबी दूरी की मिसाइलें बना डाली हैं। अभी जो खबरें बाहर आ रही हैं, उसके मुताबिक मई महीने में रूस ने 67 मिसाइलें बनाई हैं, जिसमें 35 KH-101S क्रूज मिसाइलें बनाई हैं, जबकि 25 कैलिब्र क्रूज मिसाइल इस्कंदर M बनाई है, जबकि 5 M-723 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं और 2 किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं। कुछ दिन पहले तक रूस हर महीने 20 से 25 लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा था, लेकिन अब रूस हर महीने 67 से 70 मिसाइलें बना रहा है। Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также 7 автомобилей, 2 гаубицы D-30 и 1 гаубица L-118 производства Великобритании. Никол гай гарби. हार गए ज़ेलेंस्की। पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 10 इलाकों में रूस भयानक हमले कर रहा है। अगर पूरे पूर्वी यूक्रेन की बात की जाए तो रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन 600 तरह के हथियारों से जंग कर रहा यूक्रेन, आखिर रूस को अभी तक पूर्वी यूक्रेन से खदेड़ क्यों नहीं पाया है, जबकि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक हम रूस को हर हाल में जंग हरा देंगे। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की जंग जीतने को लेकर अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? पहले आप ये जान लीजिए इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में रूस कहां कहां हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस यूक्रेन के खार्किव और लुहांस्क ओब्लास्ट में हमले कर रहा है। वहीं रूस के हमलों से पश्चिमी डोनेस्क ओब्लास्ट और पूर्वी ज़ापोरिज़्या ओब्लास्ट में भारी तबाही मची हुई है, जबकि ज़ापोरिज़्या के पूरे इलाके और खेरसॉन ओब्लास्ट में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पश्चिमी डोनेस्क ओब्लास्ट में रूस ने काफी बड़े इलाके पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की सीमा के अंदर 800 किलोमीटर इलाके में मोर्चा खोल रखा है। Саме зараз час, що вже цього року ми визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою. Никол гай гарбі. Хар гай Зеленський. Зеленський ке чанг жітне валі даве аб мазак бан чуке. Рус іс вакт Юкрейн ко бурі тара се ронд раха хай. रूस के लगभग 5000 टैंक, 700 फाइटर जेट, 3000 लंबी दूरी की तोप, 1500 से ज्यादा रॉकेट ब्रिगेड ने यूक्रेन के 30% इलाके को भयानक हमलों से बर्बाद कर दिया है। रूस के दावों के मुताबिक उसने यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है। इधर ज़ेलेंस्की को नाटो से 230 टैंक और 1500 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन मिले हैं, लेकिन नाटो के ये हथियार ज़ेलेंस्की के लिए जंग में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हो रहे हैं। जरा देखिए रूस के 15 महीनों के हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान हो चुका है और बखमूत के बाद रूस का अगला टारगेट कौन से शहर। रूस यूक्रेन के 4 प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है। कुछ दावों के मुताबिक बखमूत जीतने के बाद रूस का अगला टारगेट कीव है। इसके बाद मरिंका पर रूस कब्जा करके जहां भीषण जंग चल रही है, मिकोलाइव पर कब्जे के लिए रूस के हमले तेज हो चुके हैं और अवदीविका को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब तक पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और उत्तरी यूक्रेन पर हमला करने में रूस ने $1.5 trillion झोंक दिए हैं। रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा है। हर दिन रूस $1 billion जंग में फूंक रहा है। जानकारों के मुताबिक रूस अभी भी फायदे में है।
भले ही 15 महीने की जंग में रूस लगभग $1.5 trillion खर्च कर चुका हो, लेकिन उसने 15 महीने की जंग में यूक्रेन की $12 trillion की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। यानी अभी भी रूस जंग में 10 से 11 गुना फायदे में है। यानी पूर्वी यूक्रेन का 30% इलाका रूस के कब्जे में आ चुका है। निकल गई गर्मी, हार गए ज़ेलेंस्की। रूस की भयानक फौज इस वक्त यूक्रेन में मौत का मार्च कर रही है, जबकि ज़ेलेंस्की कभी पोलैंड तो कभी फिनलैंड या फिर द नीदरलैंड से सिर्फ रूस को खोखली धमकियां देने में लगे हैं। क्रेमलिन हमले के बाद रूस के जवाबी हमले से ज़ेलेंस्की को अपनी मौत सामने नजर आने लगी है। हारते हाफते यूक्रेन के लिए 15 महीने की जंग अब नासूर बन चुकी है। नाटो और अमेरिका भी हथियार देते देते थक चुके हैं। ब्रिटेन का हथियार भंडार तेजी से कम होता जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी भी पुतिन से इतना ज्यादा घबराए हुए हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने से कतरा रहे हैं। इधर नेटो देश हंगरी ने नेटो को ही चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि अब बहुत हुआ, यूक्रेन को अब जंग के लिए कोई मदद हंगरी नहीं देगा। जरा देखिए यूक्रेन पर भड़कते हुए हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सेजार्तो ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन जंग में नेटो का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। Békekeretből újabb 500 milliárd euró elkülönítését az ukrajnai fegyverszállításokra mindaddig nem tudjuk támogatni, mindaddig nem adunk neki zöld lámpát, amíg az OTP ezen a bizonyos listán szerepel Ukrajnában. यूक्रेन के डिप्टी पीएम इरीना वेरेश्चुक ने माना है कि रूस के खौफनाक हमलों की वजह से 70,000 लोग पूर्वी डोनेस्क इलाके से भाग गए हैं, जबकि 25,000 यूक्रेनी नागरिकों को पूर्वी खार्किव से बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। वहीं 23,000 यूक्रेनी लोग दक्षिणी खेरसोन से भाग गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, तो फिर यूक्रेन रूस को जंग कैसे हरा सकता है? Нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины. Солидар के बाद बखमूत पर रूस की जीत से साबित हो चुका है कि अब रूस का अगला टारगेट कीव ही होगा, क्योंकि कीव पर पिछले 12 दिनों से रूस ट्रिपल हवाई हमले कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या ज़ेलेंस्की को नाटो और G7 के देश बचा पाते हैं, या फिर पुतिन का रूस यूक्रेन पर जीत हासिल करके रूस को अखंड रूस बना देगा। जिस वक्त ज़ेलेंस्की जापान के हिरोशिमा में G7 के नेताओं के साथ हाथ मिला रहे थे, उस वक्त बखमूत में रूसी लड़ाके जीत का जश्न मना रहे थे। आखिर ज़ेलेंस्की को G7 की मीटिंग के दौरान ये क्यों कहना पड़ा है कि बखमूत अब हमारे दिल में रह गया है, जमीन पर कब्जा अब यूक्रेन का नहीं है? डिफेंस एक्सपर्ट्स यहां तक दावा करने लगे हैं कि बखमूत जीतने के साथ अब पुतिन कीव पर अगले 90 दिन में कब्जा जरूर कर लेंगे। कुछ वॉर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बखमूत को पूर्वी यूक्रेन का किला कहने वाले ज़ेलेंस्की के लिए बखमूत की हार यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि यूक्रेन को मिले 12 लाख करोड़ के हथियार, 31 देशों से बने नाटो की सैन्य सहायता भी बखमूत को रूस से नहीं बचा पाई है? क्या वाकई में कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस जीत रहा है? निकल गई गर्मी, हार गए बखमूत। पिछले 15 महीने से चल रही भीषण जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को रौंद कर रख दिया है। अब तक रूस यूक्रेन पर 7,000 से ज्यादा मिसाइल हमले कर चुका है, जबकि रूस के 5,000 टैंकों ने पूर्वी यूक्रेन के 30% इलाके को खंडहर बना दिया है। यहां तक कि पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन पर रूस के 700 लड़ाकू जहाजों ने 25,000 से ज्यादा बम और मिसाइलों से हमला किया है।
अगर ड्रोन हमलों की बात की जाए तो ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136, शाहिद 131, आराश 2 जैसे ड्रोनों से रूस ने 1500 से ज्यादा हमले किए हैं। शुरू में भले ही रूस को यूक्रेन से कड़ी टक्कर मिली हो, लेकिन 5 महीने बाद से यूक्रेन हमला करने के बजाय सिर्फ खुद को बचाने में जुटा है। बखमूत पर रूस ने इसलिए भी पूरी ताकत से हमला किया है क्योंकि बखमूत को ज़ेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन का किला कह रहे थे और दावा कर रहे थे कि रूस किसी भी कीमत पर बखमूत की सीमा को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए, बखमूत की सीमा तो दूर, रूस ने बखमूत शहर के मध्य में कब्जा करने के बाद बखमूत की आखिरी सड़क तक कब्जा कर लिया। इस कब्जे में पुतिन का खाना बनाने वाले वैगनर चीफ येवगेनी पेरोग्जिन के लड़ाके और रूसी फौजों ने बखमूत की ईंट से ईंट बजा दी। देखिए कैसे पुतिन के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की और नाटो की नाक माने जाने वाले बखमूत पर कब्जा किया है। निकल गई गर्मी, हार गए बखमूत। पिछले 224 दिन से यूक्रेन और नाटो बखमूत को मीट ग्राइंडर बनाने पर तुले थे और दावा कर रहे थे कि रूस के 35,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और वो कभी भी बखमूत जीत नहीं पाएंगे। रूस के सैनिक और वैगनर लड़ाकों ने बखमूत में पहला बड़ा हमला 8 अक्टूबर 2022 को शुरू किया था। उसके बाद से हर 30 फीट इलाके पर कब्जा करने के लिए रूस को 1000 सैनिकों को खोना पड़ा था। लेकिन लगभग 8 महीने तक बखमूत में भीषण हमले करने के बाद वैगनर चीफ ने बखमूत जीतने का ऐलान कर दिया। वैगनर चीफ ने साफ कहा है कि 25 मई 2023 को रूसी सैनिक पूरे बखमूत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। खबरों के मुताबिक पुतिन ने रूसी सेना और वैगनर लड़ाकों को बखमूत की जीत पर बधाई दी है। हालांकि यूक्रेन के कमांडरों का दावा है कि बखमूत में अभी भी भीषण जंग चल रही है। दारों ने ज़ेलेंस्की को हरवाया। लेकिन जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग में ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ती नजर आ रही हैं। ज़ेलेंस्की ने इशारों ही इशारों में माना है कि अब कीव का बखमूत पर कंट्रोल नहीं है, बखमूत हमारे दिलों में रह गया है। But you have to understand that there is nothing. They destroyed everything. There are no buildings. It's a pity. It's tragedy. But for today, Bakhmut is only in our hearts. There is nothing. गद्दारों ने ज़ेलेंस्की को हरवाया। बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब रूस के लिए पूरे डोनेस्क इलाके पर कब्जा करना आसान हो गया है। मिकोलाय, शेरदीव, ज़ापोरोज़िया और सबसे महत्वपूर्ण कीव पर रूस के हमले पिछले 24 घंटे में बेहद तेज हो गए हैं। अगर हम बात करें कि रूस आखिर कीव से लेकर पूर्वी यूक्रेन पर इतने प्रचंड हवाई हमले कैसे कर रहा है तो जरा आप इसे भी जान लीजिए। 12 घंटे पहले रूस की मिसाइल ताकत से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है जिसके दम पर रूस ने अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और ब्रिटेन की 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को सीधे हमले में तबाह कर डाला है। यूक्रेन पैट्रियट मिसाइल और 7 स्टॉर्म शैडो को यूक्रेनी सेना का ब्रह्मास्त्र बता रहा था, लेकिन रूस ने भी भस्म कर डाला। जरा देखिए रूस इस वक्त किस तरह की जंगी तैयारी कर रहा है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन और कीव पर 3 गुना से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। अकेले कीव पर ही पिछले 12 दिनों में 500 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं। रूस के 300 ड्रोन हमलों ने कीव को तबाह करके रख दिया है। कुछ दावों के मुताबिक रूस ने मई महीने में ही 3 गुना लंबी दूरी की मिसाइलें बना डाली हैं। अभी जो खबरें बाहर आ रही हैं, उसके मुताबिक मई महीने में रूस ने 67 मिसाइलें बनाई हैं, जिसमें 35 KH-101S क्रूज मिसाइलें बनाई हैं, जबकि 25 कलेब्र क्रूज मिसाइल इस्कंदर M बनाई है, जबकि 5 M-723 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं और 2 केंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं। कुछ दिन पहले तक रूस हर महीने 20 से 25 लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा था, लेकिन अब रूस हर महीने 67 से 70 मिसाइलें बना रहा है। Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также 7 автомобилей, 2 гаубицы D-30 и 1 гаубица L-118 производства Великобритании. Некалка и Гарби. हार गए ज़ेलेंस्की।
पूर्वी यूक्रेन के कम 10 इलाकों में रूस भयानक हमले कर रहा है। अगर पूरे पूर्वी यूक्रेन की बात की जाए तो रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन 600 तरह के हथियारों से जंग कर रहा यूक्रेन, आखिर रूस को अभी तक पूर्वी यूक्रेन से खदेड़ क्यों नहीं पाया है, जबकि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक हम रूस को हर हाल में जंग हरा देंगे। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की जंग जीतने को लेकर अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? पहले आप ये जान लीजिए इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में रूस कहां कहां हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस यूक्रेन के खार्किव और लुहांस ओब्लास्ट में हमले कर रहा है। वहीं रूस के हमलों से पश्चिमी डोनेस्क ओब्लास्ट और पूर्वी ज़ापोरिज़्या ओब्लास्ट में भारी तबाही मची हुई है, जबकि ज़ापोरिज़्या के पूरे इलाके और खेरसॉन ओब्लास्ट में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पश्चिमी डोनेस्क ओब्लास्ट में रूस ने काफी बड़े इलाके पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की सीमा के अंदर 800 किलोमीटर इलाके में मोर्चा खोल रखा है। Саме зараз час, що вже цього року ми визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою. Никол гай гармі, хар гай Зеленський. Зеленський ке чанг чітне валі даби аб мазак бан чуке. Рус іс вакт Юкрейн ко бурі тара се рон раха хай. रूस के लगभग 5,000 टैंक, 700 फाइटर जेट, 3,000 लंबी दूरी की तोप, 1,500 से ज्यादा रॉकेट ब्रिगेड ने यूक्रेन के 30% इलाके को भयानक हमलों से बर्बाद कर दिया है। रूस के दावों के मुताबिक उसने यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है। इधर ज़ेलेंस्की को नेटो से 230 टैंक और 1,500 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन मिले हैं, लेकिन नेटो के ये हथियार ज़ेलेंस्की के लिए जंग में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हो रहे हैं। जरा देखिए रूस के 15 महीनों के हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान हो चुका है और बखमूत के बाद रूस का अगला टारगेट कौन से शहर। रूस यूक्रेन के 4 प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है। कुछ दावों के मुताबिक बखमूत जीतने के बाद रूस का अगला टारगेट कीव है। इसके बाद मरिंका पर रूस कब्जा करके जहां भीषण जंग चल रही है, मिकोलाइव पर कब्जे के लिए रूस के हमले तेज हो चुके हैं और अवदीविका को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब तक पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और उत्तरी यूक्रेन पर हमला करने में रूस ने $1.5 ट्रिलियन झोंक दिए हैं। रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा है। हर दिन रूस $1 बिलियन जंग में फूंक रहा है। जानकारों के मुताबिक रूस अभी भी फायदे में है। भले ही 15 महीने की जंग में रूस लगभग $1.5 ट्रिलियन खर्च कर चुका हो, लेकिन उसने 15 महीने की जंग में यूक्रेन की $12 ट्रिलियन की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। यानी अभी भी रूस जंग में 10 से 11 गुना फायदे में है। यानी पूर्वी यूक्रेन का 30% इलाका रूस के कब्जे में आ चुका है। निकल गई गर्मी, हार गए ज़ेलेंस्की। रूस की भयानक फौज इस वक्त यूक्रेन में मौत का मार्च कर रही है, जबकि ज़ेलेंस्की कभी पोलैंड तो कभी फिनलैंड या फिर द नीदरलैंड से सिर्फ रूस को खोखली धमकियां देने में लगे हैं। क्रेमलिन हमले के बाद रूस के जवाबी हमले से ज़ेलेंस्की को अपनी मौत सामने नजर आने लगी है। हारते हाफते यूक्रेन के लिए 15 महीने की जंग अब नासूर बन चुकी है। नाटो और अमेरिका भी हथियार देते देते थक चुके हैं। ब्रिटेन का हथियार भंडार तेजी से कम होता जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी भी पुतिन से इतना ज्यादा घबराए हुए हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने से कतरा रहे हैं। इधर नेटो देश हंगरी ने नेटो को ही चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि अब बहुत हुआ, यूक्रेन को अब जंग के लिए कोई मदद हंगरी नहीं देगा। जरा देखिए यूक्रेन पर भड़कते हुए हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सेजार्तो ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन जंग में नेटो का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। Békekeretből újabb 500 millió euró elkülönítését az ukrajnai fegyverszállításokra mindaddig nem tudjuk támogatni, mindaddig nem adunk neki zöld lámpát, amíg az OTP ezen a bizonyos listán szerepel Ukrajnában.
यूक्रेन के डिप्टी पीएम इरीना वेरेश्चुक ने माना है कि रूस के खौफनाक हमलों की वजह से 70,000 लोग पूर्वी डोनेस्क इलाके से भाग गए हैं, जबकि 25,000 यूक्रेनी नागरिकों को पूर्वी खार्किव से बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। वहीं 23,000 यूक्रेनी लोग दक्षिणी खेरसोन से भाग गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, तो फिर यूक्रेन रूस को जंग कैसे हरा सकता है? Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины. Солидар के बाद बखमूत पर रूस की जीत से साबित हो चुका है कि अब रूस का अगला टारगेट कीव ही होगा, क्योंकि कीव पर पिछले 12 दिनों से रूस ट्रिपल हवाई हमले कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या जेलेंस्की को नाटो और G7 के देश बचा पाते हैं, या फिर पुतिन का रूस यूक्रेन पर जीत हासिल करके रूस को अखंड रूस बना देगा। जिस वक्त जेलेंस्की जापान के हिरोशिमा में G7 के नेताओं के साथ हाथ मिला रहे थे, उस वक्त बखमूत में रूसी लड़ाके जीत का जश्न मना रहे थे। आखिर जेलेंस्की को G7 की मीटिंग के दौरान ये क्यों कहना पड़ा है कि बखमूत अब हमारे दिल में रह गया है, जमीन पर कब्जा अब यूक्रेन का नहीं है? डिफेंस एक्सपर्ट्स यहां तक दावा करने लगे हैं कि बखमूत जीतने के साथ अब पुतिन कीव पर अगले 90 दिन में कब्जा जरूर कर लेंगे। कुछ वॉर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बखमूत को पूर्वी यूक्रेन का किला कहने वाले जेलेंस्की के लिए बखमूत की हार यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि यूक्रेन को मिले 12 लाख करोड़ के हथियार, 31 देशों से बने नाटो की सैन्य सहायता भी बखमूत को रूस से नहीं बचा पाई है? क्या वाकई में कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस जीत रहा है? निकल गई गर्मी, हार गए बखमूत। पिछले 15 महीने से चल रही भीषण जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को रौंद कर रख दिया है। अब तक रूस यूक्रेन पर 7,000 से ज्यादा मिसाइल हमले कर चुका है, जबकि रूस के 5,000 टैंकों ने पूर्वी यूक्रेन के 30% इलाके को खंडहर बना दिया है। यहां तक कि पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन पर रूस के 700 लड़ाकू जहाजों ने 25,000 से ज्यादा बम और मिसाइलों से हमला किया है। अगर ड्रोन हमलों की बात की जाए तो ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136, शाहिद 131, आराश 2 जैसे ड्रोनों से रूस ने 1500 से ज्यादा हमले किए हैं। शुरू में भले ही रूस को यूक्रेन से कड़ी टक्कर मिली हो, लेकिन 5 महीने बाद से यूक्रेन हमला करने के बजाय सिर्फ खुद को बचाने में जुटा है। बखमूत पर रूस ने इसलिए भी पूरी ताकत से हमला किया है क्योंकि बखमूत को जेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन का किला कह रहे थे और दावा कर रहे थे कि रूस किसी भी कीमत पर बखमूत की सीमा को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए, बखमूत की सीमा तो दूर, रूस ने बखमूत शहर के मध्य में कब्जा करने के बाद बखमूत की आखिरी सड़क तक कब्जा कर लिया। इस कब्जे में पुतिन का खाना बनाने वाले वैगनर चीफ येवगेनी बेरोगिन के लड़ाके और रूसी फौजों ने बखमूत की ईंट से ईंट बजा दी। देखिए कैसे पुतिन के लड़ाकों ने जेलेंस्की और नाटो की नाक माने जाने वाले बखमूत पर कब्जा किया है। निकल गई गर्मी, हार गए बखमूत। पिछले 224 दिन से यूक्रेन और नाटो बखमूत को मीट ग्राइंडर बनाने पर तुले थे और दावा कर रहे थे कि रूस के 35,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और वो कभी भी बखमूत जीत नहीं पाएंगे। रूस के सैनिक और वैगनर लड़ाकों ने बखमूत में पहला बड़ा हमला 8 अक्टूबर 2022 को शुरू किया था। उसके बाद से हर 30 फीट इलाके पर कब्जा करने के लिए रूस को 1,000 सैनिकों को खोना पड़ा था। लेकिन लगभग 8 महीने तक बखमूत में भीषण हमले करने के बाद वैगनर चीफ ने बखमूत जीतने का ऐलान कर दिया।
वैगनर चीफ ने साफ कहा है कि 25 मई 2023 को रूसी सैनिक पूरे बखमूत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। खबरों के मुताबिक पुतिन ने रूसी सेना और वैगनर लड़ाकों को बखमूत की जीत पर बधाई दी है। हालांकि यूक्रेन के कमांडरों का दावा है कि बखमूत में अभी भी भीषण जंग चल रही है। दारों ने ज़ेलेंस्की को हरवाया, लेकिन जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग में ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ती नजर आ रही हैं। ज़ेलेंस्की ने इशारों ही इशारों में माना है कि अब कीव का बखमूत पर कंट्रोल नहीं है, बखमूत हमारे दिलों में रह गया है। But you have to understand that there is nothing. They destroyed everything. There are no buildings. It's a pity. It's tragedy. But for today, Bakhmut is only in our hearts. There is nothing on this place. गद्दारों ने ज़ेलेंस्की को हरवाया। बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब रूस के लिए पूरे डोनस के इलाके पर कब्जा करना आसान हो गया है। मेकोलाय, शेरदीव, ज़ापोरोजिया और सबसे महत्वपूर्ण कीव पर रूस के हमले पिछले 24 घंटे में बेहद तेज हो गए हैं। अगर हम बात करें कि रूस आखिर कीव से लेकर पूर्वी यूक्रेन पर इतने प्रचंड हवाई हमले कैसे कर रहा है, तो जरा आप इसे भी जान लीजिए। 12 घंटे पहले रूस की मिसाइल ताकत से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके दम पर रूस ने अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और ब्रिटेन की 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को सीधे हमले में तबाह कर डाला है। यूक्रेन पैट्रियट मिसाइल और 7 स्टॉर्म शैडो को यूक्रेनी सेना का ब्रह्मास्त्र बता रहा था, लेकिन रूस ने भी भस्म कर डाला। जरा देखिए रूस इस वक्त किस तरह की जंगी तैयारी कर रहा है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन और कीव पर 3 गुना से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। अकेले कीव पर ही पिछले 12 दिनों में 500 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं। रूस के 300 ड्रोन हमलों ने कीव को तबाह करके रख दिया है। कुछ दावों के मुताबिक रूस ने मई महीने में ही 3 गुना लंबी दूरी की मिसाइलें बना डाली हैं। अभी जो खबरें बाहर आ रही हैं, उसके मुताबिक मई महीने में रूस ने 67 मिसाइलें बनाई हैं, जिसमें 35 KH-101S क्रूज मिसाइलें बनाई हैं, जबकि 25 कैलिब्र क्रूज मिसाइल इस्कंदर M बनाई है, जबकि 5 M723 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं और 2 केंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं। कुछ दिन पहले तक रूस हर महीने 20 से 25 लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा था, लेकिन अब रूस हर महीने 67 से 70 मिसाइलें बना रहा है। Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также 7 автомобилей, 2 гаубицы D-30 и 1 гаубица L-118 производства Великобритании. Некал гай гарби. हार गए ज़ेलेंस्की। पूर्वी यूक्रेन के कम 10 इलाकों में रूस भयानक हमले कर रहा है। अगर पूरे पूर्वी यूक्रेन की बात की जाए तो रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन 600 तरह के हथियारों से जंग कर रहा यूक्रेन, आखिर रूस को अभी तक पूर्वी यूक्रेन से खदेड़ क्यों नहीं पाया है, जबकि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक हम रूस को हर हाल में जंग हरा देंगे। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की जंग जीतने को लेकर अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? पहले आप ये जान लीजिए इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में रूस कहां कहां हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस यूक्रेन के खार्किव और लोहांस ओब्लास्ट यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहा है। रूस के लगभग 5000 टैंक, 700 फाइटर जेट, 3000 लंबी दूरी की तोप, 1500 से ज्यादा रॉकेट ब्रिगेड ने यूक्रेन के 30% इलाके को भयानक हमलों से बर्बाद कर दिया है। रूस के दावों के मुताबिक उसने यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है। इधर ज़ेलेंस्की को नाटो से 230 टैंक और 1500 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन मिले हैं, लेकिन नाटो के ये हथियार ज़ेलेंस्की के लिए जंग में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हो रहे हैं। जरा देखिए रूस के 15 महीनों के हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान हो चुका है और बखमूत के बाद रूस का अगला टारगेट कौन से शहर।
रूस यूक्रेन के चार प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है। कुछ दावों के मुताबिक बखमूत जीतने के बाद रूस का अगला टारगेट कीव है। इसके बाद मरिंका पर रूस कब्जा करके जहां भीषण जंग चल रही है, मिकोलाइव पर कब्जे के लिए रूस के हमले तेज हो चुके हैं और अवदीविका को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब तक पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और उत्तरी यूक्रेन पर हमला करने में रूस ने $1.5 ट्रिलियन झोंक दिए हैं। रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा है। हर दिन रूस $1 बिलियन जंग में फूंक रहा है। जानकारों के मुताबिक रूस अभी भी फायदे में है। भले ही 15 महीने की जंग में रूस लगभग $1.5 ट्रिलियन खर्च कर चुका हो, लेकिन उसने 15 महीने की जंग में यूक्रेन की $12 ट्रिलियन की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। यानी अभी भी रूस जंग में 10 से 11 गुना फायदे में है। यानी पूर्वी यूक्रेन का 30% इलाका रूस के कब्जे में आ चुका है। निकल गई गर्मी, हार गए ज़ेलेंस्की। रूस की भयानक फौज इस वक्त यूक्रेन में मौत का मार्च कर रही है, जबकि ज़ेलेंस्की कभी पोलैंड तो कभी फिनलैंड या फिर द नीदरलैंड से सिर्फ रूस को खोखली धमकियां देने में लगे हैं। क्रेमलिन हमले के बाद रूस के जवाबी हमले से ज़ेलेंस्की को अपनी मौत सामने नजर आने लगी है। हारते हाफते यूक्रेन के लिए 15 महीने की जंग अब नासूर बन चुकी है। नाटो और अमेरिका भी हथियार देते देते थक चुके हैं। ब्रिटेन का हथियार भंडार तेजी से कम होता जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी भी पुतिन से इतना ज्यादा घबराए हुए हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने से कतरा रहे हैं। इधर नाटो देश हंगरी ने नाटो को ही चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि अब बहुत हुआ, यूक्रेन को अब जंग के लिए कोई मदद हंगरी नहीं देगा। जरा देखिए यूक्रेन पर भड़कते हुए हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सेजार्तो ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन जंग में नाटो का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। Békekeretből újabb 500 millió euró elkülönítését az ukrajnai fegyverszállításokra mindaddig nem tudjuk támogatni, mindaddig nem adunk neki zöld lámpát, amíg az OTP ezen a bizonyos listán szerepel Ukrajnában. यूक्रेन के डिप्टी पीएम इरीना वेरेश्चुक ने माना है कि रूस के खौफनाक हमलों की वजह से 70,000 लोग पूर्वी डोनेस्क इलाके से भाग गए हैं, जबकि 25,000 यूक्रेनी नागरिकों को पूर्वी खार्किव से बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। वहीं 23,000 यूक्रेनी लोग दक्षिणी खेरसोन से भाग गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, तो फिर यूक्रेन रूस को जंग कैसे हरा सकता है? Нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины. Солидар के बाद बखमूत पर रूस की जीत से साबित हो चुका है कि अब रूस का अगला टारगेट कीव ही होगा, क्योंकि कीव पर पिछले 12 दिनों से रूस ट्रिपल हवाई हमले कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या ज़ेलेंस्की को नाटो और G7 के देश बचा पाते हैं, या फिर पुतिन का रूस यूक्रेन पर जीत हासिल करके रूस को अखंड रूस बना देगा।